दिल्ली NCR की शुरुआत आज सुबह बारिश के साथ हुई। झमाझम बारिश से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दी। मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली नोएडा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ आज तेज हवाएं भी चलने को मिलेंगी। इसके बाद कल आसमान में कोहरा छाए रहने के आसार हैं और तो वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। आइए जानते हैं इसी के साथ देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में जनवरी में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ ठंड फरवरी में भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी ठंड से राहत मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है, कम से कम अगले 2-3 दिन तक तो नहीं, क्योंकि अभी भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की ओर से आज जहां बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं 9 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक बने रहने की भविष्यवाणी की गई है, यानी 4-5 दिन अभी और लगेंगे। अधिकतम तापमान 20 डिग्री के पार नहीं जाएगा। तो वहीं मैदानी इलाकों से अलग पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी गलन बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं पंजाब, असम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। केरल में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा उड़ीसा के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। तो वहीं यूपी का भी यही हाल देखने को मिलेगा। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और रामपुर में कोहरे और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार जनवरी के महीने में ठंड ने 21 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोहरे और ठंड मौसम के साथ 21 सालों में सबसे ठंडी जनवरी का महीना रहा है। तो वहीं स्काईमेट के अनुसार बताएं तो आज हिमाचल प्रदेश, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 6 फरवरी से मौसम साफ होने के आसार हैं, लेकिन 5 तारीख तक ऐसे ही मौसम देखने को मिलने वाला है और आज रात भी दिल्ली NCR में बारिश या फिर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलने वाली है। ये बदलता मौसम है जो लोगों की सेहत पर खास असर डालता है। ऐसे में अपने परिवार का खास ख्याल रखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।